चलो तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हर सुबह 8 बजे हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियन आर्मी GD ट्रेडमैन टेक्नीशियन क्लर्क या फिर किसी भी आर्मी परीक्षा का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज भी दोस्तों 8 बज चुके हैं और आपके लिए लेके आ चुके हैं इंडियन आर्मी GD का आज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे ये क्वेश्चन पेपर किस चीज़ का है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और इसका लेवल क्या था। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके दोस्तों इंडियन आर्मी ग्रुप में है तो ठीक है, फटाक से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव आके हमारे साथ क्लास अटेंड कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को एक बार फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं, शेयर करिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर के बारे में सारी जानकारी लेंगे और क्वेश्चन पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए फटाक से सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक और फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए चलिए, तो अभी वापस आ जाइए, कोई बात नहीं, यदि आपने शेयर कर दिया है तो वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, कब का है। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है इंडियन आर्मी GD का। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो RO हेडक्वार्टर लखनऊ में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। और क्वेश्चन पेपर कब का है दोस्तों, तो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2020 का। ठीक है, आपको ऐसे ही दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आप रोज क्लास लीजिए, रोज क्लास अटेंड करिए, आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, एकदम बेहतर हो जाएगी। ठीक, चलिए, क्वेश्चन पेपर था दोस्तों टोटल 100 नंबर का, 35 मार्क्स आपको लाने थे। ठीक, तो इसमें दोस्तों GK और GS कवर किया गया है। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन पेपर कवर किए गए और 30 में से आपको टारगेट देते हैं हम 25 प्रश्नों का। ठीक, यदि आप टारगेट पूरा कर लीजिएगा तो हमको थंब का अंगूठा दिखाइएगा कि यस सर हमने टारगेट कर लिया है कंप्लीट, यानी 25 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है कंप्लीट। और थोड़ा सा लेवल दोस्तों इसका हार्ड होगा, तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और आपको जवाब देने के लिए भी हम थोड़ा सा आपके लिए टाइम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए होता है सामान्य ज्ञान का, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन में होते एक प्रश्न होता है दोस्तों 2 नंबर का, यानी आपको सामान्य ज्ञान से 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपका सामान्य ज्ञान पावरफुल स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपके 30 नंबर नहीं जाने वाले। ठीक, और याद हमारे वीडियो देखा होगा बाकी सभी। ठीक है, तो आपका उम्मीद करते हैं कि जरूर 30 में से 30 होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पॉलिटी से, यानी कि राजनीतिक शास्त्र से। बताइए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों का चयन किससे किया जाता है। देखिए सो लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है नामांकित किया जाता है, ठीक है, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर परीक्षा पथ से निर्धारित किया जाता है, या फिर आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित किया जाता है। देखिए दोस्तों जो लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशोक सम्राट के पिता थे, बिंदुसार, चंद्रभान, वीरभद्र या फिर चंद्रगुप्त। ठीक है, तो बताइए फटाक से कि अशोक के पिता कौन थे। ठीक, तो जो बच्चा बता रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को यानी बिंदुसार को, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली किस नदी के तट पे स्थित है। देखिए पहले ऑप्शन पे है गोमती, दूसरे पे सरयू, तीसरे पे गंडक और चौथे पे यमुना। ठीक है, तो फटाक से बता दीजिए दोस्तों कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक, तो जो बच्चा बोल रहेगा ऑप्शन नंबर डी को, काफी ज्यादा बच्चे लिख रहा है, वेरी गुड, लिखते रहिए, तो उनका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। फटाक से लिखिए दोस्तों कि गोमती नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बेंगलोर, अरे क्या बोलते हैं, लखनऊ को, ठीक है, लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के तट पे। ठीक, और सरयू नदी के तट पे कौन बसा हुआ है, अयोध्या, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन पढ़ने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, फटाक से आप सभी लोग से राइट आंसर चाहिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो बच्चा बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी को यानी सरदार सिंह पटेल को, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है, सरदार पटेल को जाना जाता था भारत का लौह पुरुष के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या फिर आइसलैंड। ठीक, तो बताइए हजारों देशों का झील किस देश को कहा जाता है। ठीक, तो चलिए जो बच्चे को नहीं पता होगा नोट डाउन कर लें कि फिनलैंड को, ठीक है, किस लैंड को, फिनलैंड को, FIRLAND फिनलैंड को क्या बोला जाता है, हजारों देशों का, अरे हजारों झीलों का देश बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है।
ठीक, आंख बंद करके आप सभी लोग बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई, ठीक है। और पूछेगा कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तभी भी आप बताइएगा कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, मुंबई में, जामनगर में या फिर डिगबोई में, ठीक। तो जो बच्चा बोल रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जामनगर गुजरात में, उसका आंसर एकदम राइट है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लें दोस्तों, देखिए ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक। और ये रिफाइनरी का ओनर कौन है यानी मालिक कौन है, तो रिलायंस ग्रुप, ठीक है। मुकेश अंबानी इस रिफाइनरी के ओनर है, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक। चलिए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों की सामाजिक, ठीक है, वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने का किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे है ग्राहम बेल, बी पे है सुंदर पिचाई, सी पे है रतन टाटा, डी पे है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस दोस्तों, ठीक है, यदि आपको क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। यदि आप क्वालिटी को कर लेते हैं 480 पे, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा बेहतर साफ दिखने लगेगा, ठीक है। काफी ज्यादा बच्चों को शिकायत रहती है तो ये शिकायत अब नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए तो बता दीजिए फटाक से कि फेसबुक का निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर जो बच्चा बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी को यानी मार्क जुकरबर्ग को, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। अब बताइए ग्राहम बेल का, ग्राहम बेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, ठीक है। फटाक से जाइए और लिखिए ग्राहम बेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। चलिए जो बच्चा लिख रहा होगा उसका आंसर एकदम राइट है, ठीक है। बताइए सुंदर पिचाई क्या है, देखिए दोस्तों सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, क्या है, गूगल के सीईओ है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पे है जावा, ठीक है, दूसरे पे है मेगासाइट, तीसरे पे है ग्रीनलैंड, चौथे पे है क्यूबा। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्रीनलैंड संसार का यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप फटाक से बताइएगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, संसार का सबसे बड़ा देश सर जो है वो है रूस, ठीक है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 9-1, देखिए 9120434057, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यदि आपको किसी भी चीज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस पे संपर्क करें, ठीक है, और जाके लिखिए कि सर हमको इंडियन आर्मी जीडी का, ट्रेडमैन का, टेक्नीशियन का, किसी चीज का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर किसी भी चीज की बुक चाहिए, ठीक। तो आप संपर्क करके बुक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ले लें, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 27 जून से डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, ठीक है। और ये परीक्षा हो सकती है जुलाई के आखिरी हफ्ते और अगस्त के पहले हफ्ते के बीच में, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है पर ये इसी के अंदर होगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसी पे जाकर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी चीज का बुक मांगिए, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक छोटी सी फीस लेके, ठीक। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बा योजना किस नदी पे स्थित है, ठीक है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं, ठीक है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पे स्थित है, ठीक। तो इसका जवाब आप लोग सभी से फटाक से जाके बता दीजिए कि सर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। पूछेगा दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप क्या बताइएगा, ठीक, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है नर्मदा नदी, बताइए फटाक से, ठीक है, बताइए। चलिए जो बच्चा बोल रहा होगा अरब सागर में, ठीक है, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। देखिए अमरकंटक से नर्मदा नदी शुरू होती है और कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है, ठीक है। बिना कंफ्यूज हो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर बी को यानी केटू को, केटू संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, ठीक। और देखिए जो पहली पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, तो वो कहाँ पे है, तो वो है नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर हरिश्चंद्र, ठीक है। तो फटाक से बताइए कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था,
ठीक। देखिए दोस्तों, जहां पे पूछा है मौर्य समाज तो उसके आगे भी लिख दिया है मौर्य, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। जब भी मौर्य समाज का नाम आया आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैनिक, ठीक है, एकेडमी स्थित है, ठीक है। विच इन विच द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पे देहरादून, बी पे नागपुर, सी पे दिल्ली, डी पे पुणे, ठीक। तो बताइए फटाक से कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, अरे ए को, देहरादून को, उसका जवाब एकदम 100% सही है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपको 300 का 300, अरे 1500 का 1500 टारगेट को इस वीडियो में पूरा करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। आप सभी लोग से दोस्तों इसका जवाब चाहिए, ठीक है। फटाक से बताइए, आप सभी लोग से जवाब चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए जाइए फटाक से लिखिए, थोड़ी देर के लिए आपको समय दे रहे हैं कि बताइए कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, ठीक। चलिए उसके बाद वाला भी क्वेश्चन आप खुद बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, नेपाल में, इजिप्ट में, मंगोलिया में या फिर इंडिया में, ठीक है। पूछेगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो आप बताओगे थार रेगिस्तान। तो थार रेगिस्तान किस देश में है, तो इंडिया में है। और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो आप बताओगे सहारा डेजर्ट, यानी कि सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे तो आपने 15 में से 15 क्वेश्चन को टच कर ही दिया होगा, ठीक है। यदि 14 को भी टच किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, एकदम सही जा रहे हो आप। ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। देखिए तैयारी रुकनी नहीं चाहिए बस हम लोग की, ठीक है, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। देखिए क्यों तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आर्मी वालों ने डेट पोस्टपोन्ड कर दी है, यानी कि अभी तक जो लोग सोए थे वो जाग चुके हैं, ठीक। तो आप लोग जागे हैं तो जागे ही रहिएगा, सोने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको 50 में 50 प्रश्नों का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। पहले हम 40 प्रश्नों 45 प्रश्न का लेके चल रहे थे, पर अब हम 50 प्रश्नों का लेके चलेंगे, ठीक है। अब आपकी एक क्लास और बढ़ा दी जाएगी यदि आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप क्लास बढ़ा दीजिए या फिर क्लास मत बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए दोस्तों सेहत खराब होने की वजह से शाम की 8 बजे वाली क्लास भी मिस हो जा रही है, ठीक है। पर उम्मीद करेंगे कि आज ही क्लास मिस ना हो, तो आज भी आप लोग 8 बजे आके उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है घर्षण, बी पे है बिजली, सी पे है सूर्य और डी पे है बैटरी, ठीक। ये क्वेश्चन शुरू होता है सामान्य विज्ञान से, यानी सेक्शन बी से, ठीक है। इसमें दोस्तों हम 13 टारगेट लेके चलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ कमजोर हो और साइंस कमजोर हो सकता है, ठीक। चलिए तो जो बच्चा बोल रहेगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी सूर्य को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखिए दोस्तों आप यदि लिखते रहेंगे ना कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शन सही होता रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। आप कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको चमक जाएगा, आप फटाक से मार दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? अवतल का। यदि पूछेगा कि साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण का, यानी कि जो हेडलाइट है जहाँ लाइट जलती है तो आगे रोशनी फैलाता है, जो वो होता है अवतल, जो प्रकाश को फैलाता है, ठीक है, रहता है। और जो साइड मिरर होता है जिसे हम पीछे का देखते हैं, उसमें उसमें लगाया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी क्या होगा, ठीक है। देखिए व्हेन मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन ट्रेड्स ऑफ टू फॉल, ठीक है। कहाँ आदमी गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा, आगे की ओर, नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर। देखिए दोस्तों मान लीजिए, सपोज करिए कि आप ही ट्रेन में बैठे हैं, ठीक, आपकी ट्रेन अच्छा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, उसमें अचानक से ब्रेक लग जाए तो आप आगे की तरफ ही झुकोगे ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, फेफड़ा, गुर्दा, ठीक है, हृदय या फिर यकृत। काफी ज्यादा बच्चों का आंसर चमक गया होगा, ठीक है, पर जो बच्चों का चमक गया है वो फटाक से जाके लिख सकते हैं, ठीक। और जो बच्चों का नहीं चमका है उनको बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी यकृत, लीवर को, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी आप ही लोग को बताना है। क्वेश्चन है कि रेबीज किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों रेबीज होता है ना, वो किसके कारण होता है, प्रदूषण के कारण, कुत्ते के काटने के कारण, दूषित पानी के कारण या फिर दूषित भोजन के कारण, ठीक। तो फटाक से बता दें दोस्तों कि रेबीज हमको किस कारण से होता है। तो जो बच्चा बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कुत्ते के काटने से, सर उसका जवाब क्या है,
100% करेक्ट है। देखिए दोस्तों, रेबीज चमगादड़ के भी काटने से होता है, ठीक है। रेबीज किसी के काटने से होता है तो चमगादड़ के भी काटने से होता है। प्रदूषण से तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, दूषित पानी यदि आप पी लेते हैं ना तो आपको टाइफाइड बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टाइफाइड, ठीक, टाइफाइड जिसमें बुखार आता है। और दूषित भोजन कर लेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी आपका पेट में जलना, पेट में मोड़ना, खट्टी डकारें, ये सब ऐसा आने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, दूषित भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। पर डरिए नहीं, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। जैसे शादी ब्याह है, ठीक है, उसमें खाना बहुत देर तक रख गया है, फिर ढक के रख दिया गया, तो वो बन जाता है फूड पॉइजनिंग। तो उसको लोग खा के अचानक से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ते के काटने से। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन थोड़ा देखिए दोस्तों। साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर बोलते हैं ना, जीतने वालों की क्या होती है? कभी हार नहीं होती, ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। इंडियन आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, हम टाइप करके लिख सकते हैं, पर आप लोग उस पर उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाइएगा, ठीक है, जितना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख के करिएगा। क्योंकि हौसला बढ़ता है कि अरे ये तो ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल है, इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा अंत तक, देखेंगे अंत तक, समझ रहे हैं ना। तो इससे आपकी तैयारी इंप्रूव होगी, ठीक है। हम पोस्ट डालेंगे एक ठो, यदि आप चाहेंगे तो इसी क्वेश्चन पेपर को हम टाइप करवा के भी आपसे करवाएंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। बताइए कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ठीक। ए पॉजिटिव, देखिए ऑप्शन है ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव, या फिर बी पॉजिटिव, ठीक। बताइए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ऑप्शन नंबर बी। कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन करा चुके हैं? बहुत बार, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का, सोना का, टीन का, एल्युमिनियम का, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, एल्युमिनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान नापने के लिए होता है, जो डॉक्टर हमारे मुंह में लगा के चेक करते हैं वो होता है थर्मामीटर। तो जो उसमें से गोल गोल होता है ना, जो ऊपर की तरफ भगता है, वो होता है पारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से क्या हृदयघात का कारण बनता है? विच इज द फॉलोइंग ऑफ रीजन हार्ट अटैक, ठीक। काफी ज्यादा आदमियों को सुने होंगे दोस्तों कि अचानक से उन्होंने किसी बात को सुन लिया तो उनको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, चाहे वो सोए हुए थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन सुनिए, रक्त प्रोटीन के कारण, रक्त में शर्करा के कारण, रक्त में यूरिन के कारण, या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, ठीक है। जिनके शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगी ना, उनको थोड़ी सी भी बात तेज लगेगी और उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम का रासायनिक चिन्ह डैश है, ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि Na इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ। आप सभी लोग बताइए दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ठीक है। चलिए, जो बच्चा बोलेगा ऑप्शन नंबर डी को, H2SO4 को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बता देना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ऐसे लिख के, ठीक। मान लीजिए ऊपर वाले ने पूछ दिया कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बताइएगा कि Na का परमाणु क्रमांक यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजनों के यौगिक को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजनों के यौगिक को क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए पे है शर्करा कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, या हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को जब आप मिला देंगे ना, तो उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो होता है, कितनी बार बताया गया है कि भूकंप नापने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, ये नापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? देखिए दोस्तों, कितनी बार बता चुके हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, तो स्नायु हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्नायु का नाम आया आपके दिमाग में, फटाक से आना चाहिए, बोन टू बोन, यानी हड्डी से हड्डी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? पावर, देखिए
कंफ्यूज कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है ना कितनी बार ये हर इंडियन आर्मी की जीटी में परीक्षा में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट करा ही करा है। ठीक है, इंग्लिश वाले में दे दिया है पावर और यहाँ वाले में दे दिया है विद्युत, तो बच्चे हो जाते हैं भारी ज्यादा कंफ्यूज कि हम किसका राइट आंसर मारें किसका नहीं मारें। ठीक, लेकिन देखिए दोस्तों यदि आपने ऊपर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है ठीक है कि मान्य हमेशा इंग्लिश वाला ही होगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाला को आप राइट आंसर करिएगा। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, तो पूछ रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक, तो आप क्या बताइएगा फटाक से ऑप्शन नंबर डी को कि शक्ति का एसआई मात्रक सर वाट होता है। ठीक, अब हिंदी वाले का भी सुन लीजिए, पूछेगा कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी में और ये होता है गणित से। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कल एक बार फिर से आना होगा, 8 बजे लाइव क्लास है इसमें। ठीक है, 8 बजे लाइव क्लास में आपके आप लाइव सॉल्व करिएगा मैथ का सेक्शन, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए दोस्तों कल 8 बजे फिर से सुबह आपसे मुलाकात होगी, और शाम को 8 बजे आके इंडियन आर्मी का ठीक है सिंपल पेपर सॉल्व करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्यादा तैयारी करवा रहे हैं कि आप सभी लोग जिन बच्चों का रिटर्न निकल चु रिटर्न फिजिकल और मेडिकल हो चुका है उनका किसी भी किसी तरह से हो जाए रिटर्न। ठीक है, तो आपके रिटर्न की तैयारी दोस्तों हम करवा रहे हैं एकदम जोर से। ठीक है, तो आप लोग भी हमारा हाथ पकड़ के चलिए और फटाक फटाक आप सभी लोग राइट आंसर देते रहिए, और अन्य दोस्तों को भी अपने बताते रहिए कि यहाँ पे तैयारी होता है, ताकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और इंडियन आर्मी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो कल आना ना भूलिएगा दोस्तों 8 बजे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोशन, जिन बच्चों के पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 9120434057, वो बच्चे इस नंबर पे अपना ओरिजिनल आर्मी का जीडी का ट्रेडमेंट का किसी भी चीज़ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रखिए है आप, तो आप प्लीज़ भेज दीजिए ताकि हम उसका वीडियो बना के काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जो कल होगी मैथ की। ठीक है, तो 8 बजे ज्वाइन ना करना भूलिए। आज की वीडियो तो 10 बजे दोस्तों बन गई थी क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी सी खराब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई विल बी सेट योर टाइम।